हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बहुत ही बेहतरीन टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में रविचंद्र अश्विन और अंपायर नितिन मानन के बीच फाइट हो गई। फाइट की वजह इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इस टेस्ट मैच की बात की जाए तो इंडियन टीम इस टेस्ट मैच में बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट दिखा रही है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडियन टीम ने 345 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें शरियास अय्यर ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक मारा। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत के साथ विल यंग और टॉम लिथन ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 151 रन जोड़े। उसके बाद विल यंग आउट हो गए और उसके बाद इंडियन टीम ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पूरी न्यूजीलैंड टीम को 296 रनों पर ऑल आउट कर दिया और इंडियन टीम ने 49 रनों की लीड ले ली। लेकिन इस टेस्ट मैच में रविचंद्र अश्विन और अंपायर नितिन मनन के बीच लड़ाई हो गई। बात कुछ ऐसे है, रविचंद्र अश्विन 2-3 बार गेंदबाजी करके फॉलो थ्रो में आने लगे और आईसीसी का नियम है कि अंपायर के सामने एक गेंदबाज नहीं आ सकता है। 77वें ओवर में फिर एक बार रविचंद्र अश्विन अंपायर नितिन मनन के सामने आ गए। नितिन मनन अश्विन को समझाने लगे, लेकिन अश्विन फिर भी अंपायर के सामने आने लगे। उसके बाद अंपायर नितिन मनन ने कप्तान अजिंक्य रहाणे को बुलाया और नितिन मनन ने अजिंक्य रहाणे को कहा कि रविचंद्र अश्विन डेंजर एंड में आ रहे हैं। उसके बाद रविचंद्र अश्विन को अजिंक्य रहाणे ने भी समझाया। उसके बाद रविचंद्र अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की और 3 विकेट लिए। ये थी रविचंद्र अश्विन और नितिन मनन के बीच फाइट का असली